क्या बात है? अब तक नाराज हो मुझसे क्या? नहीं तो मैं क्यों नाराज हूँ? तुमने कहा कि डिनर पर चलना है तो मैं चली आई तुम्हारे साथ। तानिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसी सिचुएशन में था यार कि मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं क्या करता? जासिम समझने की कोशिश तुम करो, क्रिटिकल सिचुएशन हमेशा तुम्हारे लिए क्यों होती है? जब अंकल ने चाहा कि वो अपनी दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दे तो तुमने झट से मेरा नाम ले लिया कि पसंद करते हो मुझे, और जब उन्होंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया तो तुमने झूठी एंगेजमेंट का बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, और एन वक्त पर आईजी साहब की कॉल आ गई और उन्होंने तुम्हारी दिल की कर दी, और मुझसे पसंदीदगी के दावे का भरम भी रह गया, अंकल को भी यकीन आ गया और मंगनी भी नहीं। तानिया इनफ, जासिम तुमने आज तक जो भी कहा मैंने हर बात को माना, तुम हमेशा अपने लिए ही क्यों सोचते हो? मेरी फीलिंग्स का तुम्हें कोई ख्याल नहीं, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं। तुम्हारा दिल चाहता है तो डिनर पे ले आते हो, और जब तुम्हारा दिल चाहता है सबके सामने झड़क देते हो। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है, और हाँ मैं मानती हूँ कि तुम एक सिपाही हो, मुल्क और कौम की सलामती की बात जब भी आएगी तुम्हारी जॉब पहली तरजीह है तुम्हारे, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ जासिम, इस मुल्क और कौम की सलामती की बात जब भी आएगी, हम औरतों ने अपने बेटे शोहर भाई दिए हैं, वतन के लिए तुम्हें कुर्बान करने का हौसला है मुझ में, मगर उस तरह नहीं जिस तरह तुम मुझे सारे शहर के सामने अकेला छोड़ के चले गए। मात में लेकर जाते ना जासिम, तो मैं तुम्हें खुद दुआ देकर रुख्सत करती हूँ।